नवरात्रों में खाना बनाने से पहले जान लें ये कुकिंग टिप्स। नवरात्रों का खाना बनाने के कई नियम होते हैं। अगर आप नवरात्रों में भोग का प्रसाद बनाती हैं तो आप जानती होगी कि साफ सफाई का खास ख्याल रखना होता है। इतना ही नहीं, 9 दिन का नवरात्रों का व्रत रखने वाली महिलाओं को खाने पीने के का भी खास ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रों के कुछ ज़रूरी कुकिंग टिप्स होते हैं, अगर आप उनके बारे में जान लेगी तो आप नवरात्रों का खाना ज़्यादा इंजॉय करेंगी। इतना ही नहीं, आप नवरात्रों में बनने वाले खाने के हेल्दी और टेस्टी कैसे बना सकती हैं और ये ज़रूरी कुकिंग टिप्स भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं वो कुकिंग टिप्स जिनका आपको नवरात्रों का खाना बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। नवरात्रों में खाई जाने वाली नमकीन से लेकर टिक्की स्नैक्स ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें मूंगफली का इस्तेमाल होता है। कुकिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि मूंगफली को तेल में फ्राई ना करें। आप इसे ड्राई रोस्ट करके ही खाने में इस्तेमाल करेंगी तो आप ज़्यादा हेल्थी फूड बना पाएंगी। नंबर 2, सिंघाड़े का आटा गूंथते समय खास बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये आपके खाने का स्वाद भी बिगाड़ सकता है। आटा गूंथते समय 1 चम्मच तेल कर डालकर और धीरे धीरे पानी डालते हुए गूंदे और उसे ढीला ना गूंथे, नहीं तो सिंघाड़े के आटे की पूरी या पकोड़े या टिक्की आप तो भी बनाएंगी तो टूट जाएंगी वो। टिप्स नंबर 3, नवरात्रों के दिनों में महिलाएं सबसे ज़्यादा मखाने खाती हैं। वैसे तो मार्केट में मखाने की नमकीन भी आती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप घर पर ही मखाने की नमकीन या मखाने की खीर खिचड़ी बनाएं और ध्यान रखें कि मखाने को ड्राई रोस्ट करके ही आप इसे खाएं, नहीं तो खाना भारी हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, नवरात्रों में आप जो सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाती हैं उसे और हेल्थी बनाने के लिए आप उसमें मखाने मिला सकती हैं। मखाने को पानी में भिगोकर रख दें और फिर आप उसे आटे के साथ में गूंद लें। इससे पूरी का स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही ये हेल्थी भी हो जाएगी। अक्सर महिलाओं को नवरात्रों में कब्ज की परेशानी हो जाती है। कब्ज खाने पीने की आदतों की वजह से ही होती है, इसलिए आप अगर आलू की जगह लौकी का इस्तेमाल करेंगी तो लौकी में मौजूद फाइबर आपको हेल्दी रखेंगे और कब्ज की परेशानी से दूर भी रहेंगे। भगवान को दूध का भोग भी लगाया जाता है और इसे प्रसाद की तरह भी लेते हैं। नवरात्रों में दूध में चीनी की जगह आप अगर शक्कर मिलाकर पिएंगी और मलाई के बिना वाला दूध पिएंगी तो ज़्यादा हेल्दी होगा। तो आपने अगर नवरात्रों के व्रत रखते हैं और आप हेल्दी रहना चाहती हैं तो आप इन कुकिंग टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। ये तो सब जानते ही हैं कि सिंघाड़े का आटा गर्म होता है, इसलिए इसे दही के साथ खाएं और हो सके तो मखाने मिक्स करके ही इसे बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।